भारत, इंडिया, हिंदुस्तान या फिर भारत माता, हम अपने देश को किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन हर भारतवासी के मन में एक भाव सदा गूंजता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए आज हम अपने देश की सन 1835 से पहले की कुछ विशेषताएं जानते हैं, जिन्हें सुनकर आपको शायद इन पर यकीन ना हो, लेकिन है ये सच। ये एक चिट्ठी के अनुसार है जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखी गई थी। तो इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल्स वॉइस में। नो झंझट, नो बकवास, सीधे फैक्ट्स की बात। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं अपने देश की एक महान शख्सियत के बारे में। इनके बारे में शायद ही आपने आज तक कहीं सुना हो। ये हैं 2003 में BHU से रिटायर्ड देश के सबसे ईमानदार डॉक्टर T.K. लहरी, जो चाहते तो देश के किसी भी कोने में बैठकर हॉस्पिटल खोलकर लाखों करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने देश की गरीब जनता के लिए फ्री में इलाज उपलब्ध कराने की ठानी है। हम फिल्मी पर्दे पर मौजूद अभिनेताओं को देश का असली हीरो मान बैठते हैं, लेकिन असल में हमारे देश के सच्चे हीरो तो ऐसे लोग हैं जो देश के लिए और देश की जनता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और दुख की बात तो ये है कि इनके बारे में ना तो आपको देश का कोई न्यूज़ चैनल और ना ही देश के किसी अखबार में कुछ भी पढ़ने या सुनने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि 1837 से पहले हमारा देश कैसा था? तो इसको समझते हैं लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी के अनुसार। लॉर्ड मैकाले उस चिट्ठी में लिखते हैं कि मैंने पूरे भारत की यात्रा की और मैंने यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं देखा है जो चोर हो या फिर भिखारी हो। मैंने इस देश के नागरिकों में ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों को देखा है, यह ऐसी क्षमता के लोग हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम इन पर राज कर पाएंगे जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो कि है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। और इसलिए मैं वादा करता हूं कि हम इसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर देंगे और उसकी संस्कृति को बदल देंगे। क्योंकि अगर भारतीय सोचता है कि सब विदेशी और इंग्लिश अच्छी है और उनकी तुलना में बड़ी है, तब वे अपनी मूल संस्कृति और अपने आत्मसम्मान को खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं, जिन पर हम हमेशा एक भरोसे का राज कायम कर सकें। यह एक ऐसा देश बन जाएगा जिस पर हमारा सच्चा प्रभुत्व होगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।